मैं शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टर लॉजिक। सो गाइस कल है मंडे एंड किस तरीके से ट्रेड लेने हैं बिकॉज मार्केट हम जिस तरीके से देख रहे हैं 18,000 के लेवल को ब्रेक डाउन कर चुकी है एंड ऑलमोस्ट 17,670 के आसपास ट्रेड कर रही है। सो एक साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारा 18,000 का था वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, तो वो एक हर्डल और एक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है। अब मार्केट नेक्स्ट वीक क्योंकि नवंबर की सीरीज स्टार्ट हो गई है तो मैं कुछ बढ़िया स्टॉक्स लिस्ट भी आप लोगों के सामने कल या परसों तक प्रेजेंट कर दूंगा लुकिंग द टेक्निकल एनालिसिस फैक्टर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 18,000 एक रेजिस्टेंस है और मुझे लगता है कि वो विद इन जो अपकमिंग वीक है उस लेवल वो शायद ब्रेक ना कर पाए, और अगर वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो एक हेवी सेलिंग वहां से दोबारा आ सकती है। सो अभी जो मैंने एक रेंज डिसाइड करी है दैट शुड बी अराउंड 17,400 टू 300 और ऑन द हायर साइड 18,100 रुपीज का। सो मार्केट में किस तरीके से काम कर रहे हैं बिकॉज मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया विक्स 20 के आसपास बिल्कुल आ गया था, उसके बाद हम लोगों ने वहां पर भी एक कवरिंग देखी थी, बट अगर ये 20 के ऊपर निकल जाता है तो हम लोग एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये करेक्शन जो था या क्या ये कंटिन्यू कर सकता है और क्या ये करेक्शन क्रैश के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए क्रैश तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, हम 10% तक की डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी मार्केट के अंदर एट दिस करेंट लेवल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो येस विद इन जो अपकमिंग वीक है उसमें थोड़ा सा मार्केट साइडवेज टू स्लाइटली अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड रहने वाली है, मतलब बेसिकली साइडवेज रहने वाली है। इसके बाद हम लोग एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज अभी ये जो शार्प डाउनफॉल आया एक तरीके से हम लोग रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है प्रीवियस स्विंग लो का। सो आने वाली वीडियो में जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे मैं आप लोगों को बताते रहूंगा, प्लस ऑप्शन डाटा हम लोग एक बार चेक करते हैं कि नवंबर का हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है एंड FIR डाटा क्या कर रहे हैं, क्या वो दोबारा सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं या दोबारा बाइंग आ सकती है मार्केट के अंदर। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने ट्रेडिंग सेटअप। तो हमारा सबसे पहला स्टॉक है थ्री टर्बाइन। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर रिकमेंड करा हुआ था एंड यहाँ पर बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, बट ये स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। सो अगर आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे सो प्लीज डू एग्जिट दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट क्लोजर टू इट्स टारगेट लेवल। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी है विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। इसके अलावा ये एक सपोर्ट की लाइन थी, एक राइजिंग चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा था। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं इट गेव अ वेरी गुड इम्पल्स मूव एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इम्पल्स मूव इट came down and it gave a retest with a very good support levels. After that resistance became its support. अब यहाँ clearly देख सकते हैं इसने flag and pole pattern create करा है and after creating it gave a very good breakout. Breakout देने के बाद yes ये जो particular support line थी exactly यहाँ पर आके halt करा, ये वाली candle एक बहुत ज़्यादा volatile candle थी and अगर मैं इसका bottom और top लेता हूँ तो आप देख सकते हैं exactly यहाँ पर एक gap open हुआ और दोबारा ऊपर गया and अपने previous level के ऊपर इसने जाके close करा है। अब क्या करंट लेवल्स पर हमें बाय करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बड़ी वाली कैंडल एक डिसाइसिव कैंडल बनी थी इसका मैं टॉप ले लेता हूँ आप लोगों के सामने विच इज दिस। सो ये एक टॉप है एग्जैक्टली हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर इस टॉप का ही एक रेजिस्टेंस फेस करा था। सो राइट नाउ जो अभी इसका प्राइस चल रहा है वो 191-192 रुपीज का चल रहा है, हम लोगों को 196 के ऊपर इस स्टॉक को बाय करना है। और अगर हम इसके टारगेट्स एक्सपेक्ट करें तो हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू इसके टारगेट्स बनाते हैं थ्रू फ्लैग एंड पोल पैटर्न। सो हम लोग जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी अराउंड 220 के लेवल्स जो हम लोगों को आसानी से ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा सकता है अगर ये 196 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है। अब आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी रेंज थी जिसका बॉटम था 143 एंड टॉप था 194 रुपीज का, तो ये एक ही दिन के अंदर इतनी शार्प मूवमेंट थी। सो डेफिनेटली एक एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस, तो जैसे 196 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है वी कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बाय विद अ टारगेट ऑफ 220 रुपीज। अदर देन दैट बहुत लोगों ने होल्ड करा हुआ है मेरे टेलीग्राम रिकमेंडेशन के थ्रू, सो आई विल टेल यू आप यहाँ कर सकते हैं कि 200 रुपए के आसपास 30% क्वांटिटी एग्जिट कर लेना एंड अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप लोग 188 रुपीज तक या 185 रुपीज तक भी लेकर आ सकते हैं। और जैसे आपका ISS ऊपर टारगेट जाता रहेगा 2-2% ऊपर जाएगा तो अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते रहना बिकॉज ये स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप लोग अर्ली प्रॉफिटेबल एग्जिटिंग लेकर चल सकते हैं। सो ये तो हमारा सबसे पहला स्टॉक, बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखोगे तो मैंने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रखी थी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एंड मैंने 3 क्रिप्टोस कॉइन्स भी वहाँ पर अपलोड करे थे, माना, इंजन कॉइन एंड BNB Binance का, तो बहुत ज़्यादा अच्छे आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं कौन सा प्लेटफॉर्म पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, अभी मैंने यह वो ट्रायल पीरियड 20,000
डिपॉजिट करे थे और मैं 1 लाख रुपए और डिपॉजिट करने वाला हूँ कमिंग दिस मंथ, तो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है वॉल्ट, जिसपे हम अपनी खुद की बिटकॉइन तक पे FD क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे कॉइन्स पे FD भी बना सकते हैं, जिसपे हमें 12% से ज्यादा का FD में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि बैंक से 2 गुना है। सिर्फ अगर आप अवॉर्ड के अंदर अपनी INR भी डिपॉजिट करते हैं तो उस पर तक आपको सेविंग इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड होता है, एंड बहुत सारी फैसिलिटीज है। ये वाला क्रिप्टो का जो ऐप है डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, एंड बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स इसके अंदर है। सो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका थंबनेल, गो एंड क्लिक दिस पर्टिकुलर वीडियो। वहां पर मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम पे आप लोगों को क्रिप्टो से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करो। सो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करो, मेरे कूपन के थ्रू आप फॉर्म फिल करो एंड डाउनलोड करो इस पर्टिकुलर ऐप को, मेरे साथ ट्रेड करने का मौका पाओ। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से वीडियो के एंड में। सो हमारा दूसरा स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में भी सेम टाइप ऑफ सिमिलर पैटर्न बना हुआ है, आप देख सकते हैं राइजिंग चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा है, एंड ऑन इट्स मेकिंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस हायर हाइज एंड हायर लोस। अब यहाँ पर आप क्लियरली एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, जब ये ऊपर गया था यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा था, इट बैक डाउन, आफ्टर दैट इट गेव अ वेरी गुड ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, एंड आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट इट एक्टेड एज अ सपोर्ट एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप देख सकते हैं आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इंपल्स मूव, ये एक तरीके का कंसोलिडेशन जोन है जहां पर दोनों लाइंस कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पर जो गैप है वो गैप बहुत कम करते करते कम हो रहा है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एक ब्रेकआउट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न बना है इस पर्टिकुलर राइजिंग चैनल के अंदर, से हम लोग कहते हैं बुलिश पेनेंट पैटर्न। सो बुलिश पेनेंट पैटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हो सकता है और एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अब हम लोग अगर मूवमेंट एक्सपेक्ट करें तो सबसे पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है जो राइजिंग चैनल है उसका अपर रेजिस्टेंस जो ट्रेंड है हम लोग फेस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बुलिश पेनेट पैटर्न के हिसाब से अपना टारगेट को फाइंड करने की कोशिश करें, सो हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करेंगे, एंड आफ्टर यूजिंग दैट एक्सटेंशन हम लोगों को जो टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं वो इस लेवल के देखने को मिल रहे हैं। लेट मी शो यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो राइट नाउ अगर अभी करंट प्राइस चल रहा है 1721 के पास, एंड हम लोग बाय कर सकते हैं जब ये ब्रेकआउट देगा इस लेवल को, विच इज 1755 रुपीज का। सो जैसे ही 1755 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, येस वी कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बाय, बिकॉज आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर अभी तक क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है, जब से ब्रेकआउट कैंडल अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गई है। सो अगर इसके ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है तो डेफिनेटली इट्स एन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक विद अ टारगेट ऑफ 1900 रुपीज, तो स्टॉक अपने वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं अपने लास्ट एंड थर्ड स्टॉक की। सो हमारा लास्ट स्टॉक है थर्मेक्स। थर्मेक्स पे आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये भी एक चैनल के अंदर काम कर रहा है पर्टिकुलर स्टॉक, एंड बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिला था, ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस ये फॉल आया था 10 से 12 दिन का, उसके बाद एक पुल बैक दिया, अगेन एक फॉल आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे, एंड इट स्टार्टेड टू मूव बैक अप अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक AB=CD पैटर्न फॉर्म कर रहा है फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, एंड ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो अगर आप देखेंगे कि ये देख सकते हैं इट एक्टेड एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, अगर मैं आप लोगों को ऑन अर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखेगा ये बहुत बढ़िया एक एक्टेड रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर रहा है। सो अभी करंट प्राइस थर्मेक्स का चल रहा है 1378 रुपीस का, जैसे ये 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है अबव 1390 रुपीस हम लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1420-1430 रुपीस के आसपास का, बट हम लोग अर्ली प्रॉफिट बुक कर लेंगे जैसे ये 1400 के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। सो हमारी जो बाइंग है वो है 1390 के ऊपर, 1420 हमारा इसके लिए टारगेट है, बट डेफिनेटली अगर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट आता है तो ये अपने प्रीवियस ये जो चैनल इसने बना रखा है इस पर्टिकुलर चैनल का भी ब्रेकआउट दे सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो भी आप लोगों को स्टॉक सजेस्ट करा और पास्ट मैंने आप लोगों को जो भी स्टॉक सजेस्ट करे हैं वो सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो अपने लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल आसपास चल रहे हैं, 52-week हाई के बिल्कुल आसपास चल रहे हैं। सो अभी हम लोग मार्केट पे उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं जो लाइफ टाइम हाई के आसपास है या उसको ब्रेकआउट दे चुके हैं, क्योंकि वो स्टॉक्स इतने ज्यादा बुलिश थे कि अगर मार्केट गिरेगी तो वही स्टॉक्स हम लोगों को सस्टेन कर पाएंगे अगर हम लोग बाइंग साइड में रहेंगे। तो अगर आप लोग हमारी पास्ट की 2-3 वीडियोस देखेंगे जो भी मैंने अभी बनाई थी रिसेंटली जब मार्केट फॉल करी थी, तो जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड करे थे वो डेफिनेटली बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए, इसके अलावा टेलीग्राम पे जो दिए थे, तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, क्योंकि लाइव मार्केट पे मैं वहां पर आप लोगों को अपडेट्स देते रहता हूँ कौन से स्टॉक्स आपको अभी बाय करने, कहाँ एग्जिट करने, सारी स्ट्रैटेजीज होती है वहां पे। सो प्लीज डू फॉलो अस, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस का, ऑप्शन डाटा की तरफ चलते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है, ये आप लोगों को अभी ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी बट मैं आप लोगों को क्लियर बेसिस पे बताता हूँ। आप देख सकते हैं जो सबसे पहली फर्स्ट ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ से बनते हुए देख रहे हैं उसने इसका एक बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन दिया था,
एंड ब्रेकडाउन देने के बाद हम लोगों ने ये एक सेकेंड ट्रेंड लाइन बनाई थी लास्ट वीक फ्राइडे के सेशन के लिए, और हमने उसका भी एक ब्रेकडाउन देखा था। हम लोगों ने आपसे कहा था कि अभी हम लोग कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे लेकर नहीं चलेंगे नेक्स्ट डे के लिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने रेड कलर की लाइन ड्रॉ करा हुआ है। मैं इन दोनों लाइंस को हटा देता हूँ कि आपको क्लियरली दिख जाए। ये जो मैंने रेड कलर की लाइन ड्रॉ करा हुआ है, ये एक प्रीवियस स्विंग लो है हमारा, जहाँ से बहुत बड़ी बुलिश अप मूव आना स्टार्ट हुई थी। सो अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो ये जो हम ट्रेंड देख रहे हैं ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, हायर हाइज एंड हायर लो, जो कि बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा है, जो कि हम लोग देख सकते हैं 14,000 से आ रहा है, ऑलमोस्ट 18,500 तक आ रहा था, ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस हायर राइज एंड हायर लोज बन रहे थे, उसका एक रिवर्सल आ जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं। बट जब तक इस लेवल के नीचे एक क्लोजिंग नहीं मिलती है कैंडल, तब तक हम लोग लोअर लेवल्स पे बाय करने के बारे में सोचेंगे। सो डेफिनेटली मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था मार्केट ऑन अ साइडवेज टू स्लाइटली अप ट्रेंड रह सकती है। सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग इस लेवल पे अपनी एक बाइंग कर सकते हैं अगर कल मार्केट ओपन होती है। डेफिनेटली अगर कल मार्केट एक गैप डाउन ओपन होती है थोड़ी बहुत और रिकवरी आना स्टार्ट होती है, उस रिकवरी में इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय निफ्टी, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास है और फर्स्ट टाइम तो इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगी, एक बार कोशिश करेगी एक अप मूव देने की। अगर वहां पर बायर स्टेबलाइज नहीं हो पाए और सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, तब सेकेंड टाइम वो ब्रेक डाउन करेगी, फर्स्ट टाइम ब्रेक डाउन नहीं आएगा। सो डेफिनेटली हम लोग इस लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा हमारे प्रीवियस स्विंग लो से थोड़ा सा नीचे, विच लेवल इज दिस 17,450 रुपीज का। तो 17,450 से नीचे हमारा एक स्टॉप लॉस मेंटेन होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और हम लोग इस करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं, या फिर बाय चांस अगर डिप आती है और रिकवरी आती है ऑन अ स्टार्टिंग डे तो हम तब भी एक बाय पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली निफ्टी का। सेल हमें करना नहीं है कल निफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, फिर ओपन इंटरेस्ट के डाटा के थ्रू चेक करते हैं कि वहां पर भी सिनेरियो क्या आ रहा है। सो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है, एंड यहाँ पर आप क्लियर बेसिस पे एक चीज देखेगा, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है फ्रॉम जनवरी 2018 से। सो ऑलमोस्ट 3 साल से ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं इस ट्रेंड लाइन को, एंड आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी, एंड हम लोग ने एक बॉटम से भी ट्रेंड लाइन बना रखी थी, तो ये एक सिमेट्रिकल राइजिंग पैटर्न था। इसके ऊपर इसने एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट आप यहाँ देखिएगा एक स्टार्टिंग अप रैली स्टार्ट हुई थी, एंड ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा पॉइंट्स तक ऊपर गया था। उसके बाद अब ये फॉल आया, फॉल आने के बाद हम अब मान के चल सकते हैं ये एक एक्ट कर सकता है एज अ सपोर्ट, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी, तो अभी एक सपोर्ट के थ्रू एक्ट कर सकता है और हम लोग यहाँ पर अपने एक बाइंग सेटअप जनरेट कर सकते हैं। अब बात करें रेजिस्टेंस की, सो बेसिकली जो हमारे लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो एक ये लेवल पे आ रहा है सपोर्ट, जहां पर मार्केट एक बार पॉज ले सकती है। सो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर है, लेट मी टेल यू, ये एक मार्केट का रेंज है, इस रेंज के अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है बैंक निफ्टी के अंदर। सो ये मैंने एक रेंज ड्रॉ कर दी है, रेंज का जो अपर लेवल है दैट इज 39,450 का लेवल, और जो रेंज का बॉटम है दैट इज 38,070 रुपीज का लेवल। इन रेंज के बिटवीन हम लोग कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक हेवी हेफ्टी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और प्रीवियस लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एग्जैक्टली इस लेवल से एक रिकवरी हम लोगों को देखने को भी मिली थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन पे जिस लेवल ने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था जिस कैंडल ने, जब तक उसके हाई के ऊपर ये दोबारा नहीं निकलता तब तक एक बाइंग सेटअप जनरेट नहीं होगा। सो हम लोग इसी लेवल के ऊपर बाय करेंगे। सो निफ्टी पे तो हम डेफिनेटली अगर कल एक छोटी सी डिप आके रिकवरी आती है तो निफ्टी पे हम लोग बाय कर सकते हैं, बट बैंक निफ्टी पे हम लोग कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे जब तक वो 39,450 के ऊपर सस्टेन नहीं होता। ठीक है, तो ये थी गाइस हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस। एक बार ऑप्शन डाटा को भी स्टडी कर लेते हैं। सो मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डाटा ओपन करा हुआ है, एंड यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग कॉल और पुट चेंज को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल चेंज 28.9 मिलियन है एंड पुट चेंज है 11.7 मिलियन। सो यानी कि ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। तो हम लोग इतना तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है 18,000 रुपीज के लेवल पे। इसके अलावा हम लोगों को देखने को मिल रही है सेकंड हाईएस्ट 17,800 के ऊपर। सो डेफिनेटली अगर हम मान के चले तो हमें पुट राइटर्स कहीं पर भी विजिबल नहीं है। अब ये जो डाटा आप लोगों के सामने दिख रहा है, जैसे ही मार्केट ओपन होगी और मार्केट के 5 मिनट के अंदर जो सिनेरियो होगा उसके बेसिस पे पूरा डाटा चेंज हो सकता है। सो डेफिनेटली मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है, एंड जितने भी कॉल राइटर्स एक्टिव थे, जिन लोगों ने नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन बनाई हुई है, अगर मार्केट रिकवरी करना स्टार्ट करती है, बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा प्रीवियस स्विंग लो जो कि बहुत टाइम से ब्रेक नहीं हुआ है, सो डेफिनेटली वहां पर जितने भी कॉल राइटर्स होंगे वो ट्रैप होना स्टार्ट हो सकते हैं अगर मार्केट रिकवरी करना स्टार्ट करती है, एंड तब पुट राइटर्स एक्टिव हो सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर मैं अभी ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखूँ तो मैं इस पर अभी बिलीव नहीं करूंगा सिर्फ मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस ही हमें फॉलो करना चाहिए।
इसके अलावा अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी पे हम लोग देख सकते हैं कॉल चेंजेस 7.5 मिलियन एंड पुट चेंज है 5.6 मिलियन, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ तो हमें ऑन अ टेक्निकल एनालिसिस फैक्टर निफ्टी हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे, बैंक निफ्टी हमें कम लग रहा था। बट अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की तरफ जाएं तो निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है एंड बैंक निफ्टी नॉट वीक मतलब साइडवेज है, ज़्यादा गिरेगा नहीं ना ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें तो हाईएस्ट कॉल राइटर हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं 39,500, 40,000, 40,500 एंड 39,000 पे भी, और पुट राइटर जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो 39,000, 38,500 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली अगर कल एक गैप डाउन आता है और अगर वो 39,000 के नीचे खुलता है और तब एक रिकवरी आती है और 15 मिनट की कैंडल 39,000 के ऊपर खुल जाती है, तब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 39,500 तक भी मार्केट जा सकती है और वही हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां तक मार्केट एक एक्सपेक्ट कर सकती है। सो हम लोगों ने एक रेंज डिसाइड कर लिया 39,500 एंड 39,500, तो 1,000 पॉइंट के अंदर ही अभी मार्केट एक्ट कर सकती है। इसी रेंज के अंदर हम लोग प्ले करेंगे फॉर दिस अपकमिंग एक्सपायरी। सो कल एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम लोग एक अपना स्ट्रैडल बनाने की कोशिश करते हैं, तब मैं आप लोगों को एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आप लोग इजी बेसिस प्ले कर चल सकते हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को 30,000 to 40,000 के अंदर एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। तो कल वाली वीडियो जरूर देख लेना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें FIR डाटा की, तो FIR डाटा पे सिमिलर है, मार्केट बहुत ज़्यादा वीक स्ट्रक्चर शो कर रही है। 2 लाख क्वांटिटीज की पुट बाइंग है, 20-30,000 का कॉल बाइंग है, सो बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है एंड बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स पुट लेकर फॉरेन इन्वेस्टर्स गए हुए हैं। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर पे डेफिनेटली अब इन्होंने बाय करा हुआ है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वीक से ऑलमोस्ट ये लोग अपना सेलिंग कर रहे थे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर एंड डेफिनेटली इन्होंने लास्ट डे के अंदर ही अपनी एक बाइंग स्टार्ट करी है। सो डेफिनेटली एक टर्न अराउंड हो सकता है मार्केट के लिए जैसा हम लोग बात सोच रहे हैं। बट अगर हम बात करें तो स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली अभी भी नेगेटिव है। अगर हम बात करें ऑन क्रेडिट बेसिस, DIIs ने 4300 करोड़ की बाइंग करी हुई है, अदर देन FIIs ने 5100 करोड़ की सेलिंग करी हुई है। सो हम लोग मान के ये चल रहे हैं कि मार्केट से पैसा अभी भी जा रहा है। सो बेसिकली मार्केट साइडवेज टू स्लाइटली अप ट्रेंड और स्लाइटली डाउन ट्रेंड रह सकती है, तो साइडवेज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो कॉल बाइंग और पुट बाइंग ये करके आप लोग शायद थोड़ा सा बहुत पैसा लूज कर सकते हैं, तो कल कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट मत करना। कल मैं आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू बताऊंगा कि कौन सी आप लोग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसके बेसिस पे अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो आप लोग तब भी एक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दैट। तो आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स एम फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स विद इन अपकमिंग दिस मंथ और एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हमारी 1 लाख की फैमिली पूरी होती है तो और एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों के साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।